तालाब की जमीन ग्राम सभा की, पानी जनता का, लेकिन उस पर हुकूमत गांव के दबंगों की। अन्न दाता परेशान और खेत सूखे, लेकिन अब हालात बदलने वाले। तालाबों की जमीन और पानी पर दबंगों का एकाधिकार का खेल अब नहीं चल पाएगा। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सूबे की योगी सरकार तालाब विकास प्राधिकरण का अब गठन करने जा रही है। तालाब विकास प्राधिकरण का गठन हम कर रहे हैं और इसको जल्दी इसी सत्र में इसको लागू करेंगे ताकि तालाबों का संरक्षण हो। तालाब एक संरक्षण देने का काम करते हैं। हाई कोर्ट में न्यायालय की भी इच्छा है कि तालाबों का संरक्षण हो। सरकार ने संज्ञान लिया है, इसलिए तालाबों का विकास प्राधिकरण गठित किया। नए और पुराने तालाबों का विकास, तालाब के जल स्तर को ऊपर लाना, सूखे से निपटने के लिए कार्य योजनाएं बनाना, गर्मियों में 32,000 तालाबों को भरना, तालाबों से अवैध कब्जा हटाना और उन्हें संरक्षित करना। सिंचाई मंत्री विभाग की छवि निखारने के लिए घोटाले बातों पर सख्ती का अभियान जारी रखने का ऐलान भी कर चुके हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग का 100 दिन का एक्शन प्लान भी बताया। विकास में भ्रष्टाचार आड़े आ रहा था और भ्रष्टाचार समाप्त हो इसके लिए हमने जांच कमेटियां बना दी हैं। मैं स्वयं अपने विभाग में 3 परियोजनाओं की जांच करा रहा हूं, गंडक परियोजना, गोमती रिवर फ्रंट परियोजना और एरिच बहुद्देशी परियोजना। इनके परिणाम 1.5 महीने से पहले ही आ जाएंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। घोटाले के प्रति सख्ती और भ्रष्टाचारियों को सुधर जाने की चेतावनी देने के साथ सिंचाई मंत्री ने ऐलान कर दिया कि घोटाले की रकम दोषियों के वेतन से वसूल की जाएगी। विभागीय कार्रवाई के अलावा उन पर आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे। शिवा शर्मा, APN कानपुर।